तेजस्वी यादव के महारानी केस में आज ऐसा हुआ कि जो उसने गुजराती के बारे में ठग शब्द प्रयोग किया था तो उसके बारे में आज ये ऑर्डर पे था तो कोर्ट में उसके विरुद्ध में वो समझ किया है, उसको 22 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाए। और क्या कुछ इसके अंदर बताइए? उसके अंदर में रहा है कि अब तक क्या क्या हुआ है और आज क्या फैसला है पूरा एक साथ। अब तक जो हमने फरियाद दाखिल किया था उसके बाद कुल 15 विटनेस कोर्ट में हाजिर हुआ था और उन लोगों ने जुबानी दिया था और उन लोगों ने सबने बताया था कि गुजरातियों को जो ठग बोला है तो हमारा भी दिल में दुख हुआ है, सब गुजरातियों का गौरव का खंडन हुआ है और हमारा भी मानहानि हुआ है। उसके बारे में बाद में हमने आर्ग्यूमेंट किया था कोर्ट के अंदर कि गुजरात के कुल 364 जाति है और 364 जाति को उसने पोताना पर्सनल प्लेटफॉर्म से ठग बोल दिया है तो उसके बारे में उसके कड़क से कड़क सजा होनी चाहिए और उसको समझ इश्यू करके उसके खिलाफ हाजिर होने के बाद कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने ऐसा बोला कि हमारे कंप्लेंट में जो डिप्यूटी सीएम लिखा है उसके उसको उस शब्द को दूर करने का और उसके बारे में आरोपी शब्द लगाने का।